सरकारक मंत्री सब जनताक अपेक्षा आ आशाक बात सुना सार्वजनिक समारोह में सक्रिय उपस्थिति होब के परंपरा रहल अछि। राजनीतिक परिवर्तन संगे जनता से नेता धर के संस्कार बिगड़त गेल अछि। जनता सरकारक अनुदान पचाब आ सरकार जनता के फुसलाब में तत्पर रहत छथि। सार्वजनिक समारोह में मंत्रीक उपस्थिति आकर्षण रहत छल, मुदा एखन प्रवृत्ति आ संस्कार परिवर्तन भेल अछि। नेता मुंह देखाब कार्यक्रम में सहभागी होइत आयल छथि। जनता के दुख सुनने किछ एहन देखल गेल जीबी से धनुषा परिषद में। एक रिपोर्ट। मंगल दिन जिला विकास समिति धनुषा अपन 21वां परिषद सम्पन्न कयलक। आर्थिक वर्ष 2072-73 के लेल करीब 7 अरब बजट घोषणा कयलाक बाद जनता के किछ होय, मुदा जिलाक नेता, गावी से सचिव, कार्यालय प्रमुख सबके चेहरा पर चमक रहे। आयोजक जिला विकास समिति धनुषा के अनुसार बहुत कोशिश कयलाक बाद परिषदक समारोह में सहभागिता जनेबाक लेल विभागीय मंत्री प्रकाश मान सिंह राजी भेलन, मुदा मंत्री जी एतक के विकास निर्माणक गतिविधि समस्या आ बजट सुनो से बेसी सूता में व्यस्त छलाह। स्थानीय विकास अधिकारी जी असीन पसीन होइत अपन बजट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहल समय बजट में की छै, की नीक आ की बेजाय से सुन के बदला मंत्री जी काठमांडू के थकान जनकपुर में शांत करैत नजर औलथि। एतबे नहि, धनुषा से जीत क गेल हमर सभासद सब सेहो मंत्री जी के जिलाक समस्या सुन लेल प्रेरित कर के बदला अपनो नींद मार में व्यस्त छलथि। मंत्री जी के बगले में आसीन धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के सभासद रामकृष्ण यादव तथा क्षेत्र नंबर 5 के सभासद चंद्रमोहन सेहो काठमांडूक आलस मन से पर दूर कलखिन, मुदा एम्हर विपक्षी ए माओवादी पोलिट ब्यूरो सदस्य रामचंद्र झा अघायल आदमी सब के बेसी नींद लगैत अछि कहलनि। जो अघाय को छ उसको लगी त सुतनु अनिवार्य छ, जरत तर जो भगाय को छ उलाई विद्रोह गर्नु अनिवार्य छ। पूरा बुझ्नु हुन्छ, जो मान्छे जसको अपमान गरिएको छ त्यो अपमानको लागि लड्न तयार हुन्छ। हो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई। धनुषा कार्यवाहक इंचार्ज झलकू यादव जनताक समस्या सुना पड़तन कही मंच पर विद्रोह कैले छलथि। स्वागत मंतव्य आ बजट भाषण के बाद मंत्री जी मंतव्य राख प्लेन से घूरत, तकर बाद बाकी नेता सब संबोधन हेत। उद्घोषक जी के कहलाक बाद यादव आक्रोशित भेलथ आ मंत्री जी के कहलन जे समस्या सुन के लेल फुर्सत नहीं रहे त किया एलौ, तखन जाकर हुनका बाजे के मौका देल गेल। ए माओवादी यादव मंतव्य रखलाक बाद मंत्री जी भाषण के लेल पोडियम पर गेला, मुदा ई बात किछ मधेसी दल के नेता सब के नहीं पचलन। हमरो सब लग समस्या आई छे, हमरा सब संगे किया भेदभाव कहित सधाना पार्टी जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित नेता सब बहिष्कार करित ओत से चलित बनला। समारोह में मंत्री जी के भाषण आ प्रत्युत्तर में बाजायल पूर्व स्थानीय विकास मंत्री तथा ए माओवादी प्रभावशाली नेता रामचंद्र झा के भाषण से हो सभा में रोचकता थपने रहे। मंत्री जी अपन भाषण में कहलन, विधानसभा को निर्वाचन बहुत दोसरो संविधान सभा बस्यो र चाहिँ शपथ खाएको दिनदेखि एक वर्ष भित्रमा सबैले चाहिँ यो चाहिँ माघ 8 गते भित्रमा चाहिँ लिखित लोकतान्त्रिक संविधान हामी जारी गर्छौँ भनेर भन्यो, र माघ 8 गतेमा लिखित लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुको लागि यो चाहिँ जुन कार्यतालिका चाहिँ बनाउनुको लागि नियमावली चाहियो, नियमावली सबभन्दा पहिला चाहिँ बनाइयो, नियमावलीमा पनि सहमति सबैले चाहिँ जनायो, तर आफैले भाग लिएको संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात बनाएको यो चाहिँ जुन नियमावली छ त्यो नियमावली अनुसार चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि फेरि चाहिँ संविधान सभामा के भयो भन्ने कुरा अब तपाईँहरूले चाहिँ टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईँहरूले चाहिँ लाइभै त्यस बेला चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुभएको छ। कुरा के छ भन्दाखेरि नियमावली बनाउँदाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ सहमति जनाउने अनि चाहिँ नियमावली अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि अनि विरोध सुरु हुने, संविधान सभा हाम्रो एजेन्डा भनेर भन्ने, तर संविधान सभा मार्फत होइन कि अब सडकबाट जनसंविधान हामी जारी गर्छौँ भनेर चाहिँ हेर्ने। तकरा बाद ए माओवादीक नेता झा अपन भाषण के दौरान मंत्री जी के प्रत्युत्तर दैत कहै छथि, अनि त्यो 6 महिनामा संविधान दिन्छु भन्ने सहमति गर्ने तर सहमति पालन नगर्ने अहिले आएर उल्टो आन्दोलनको कुरा गर्ने, तपाईँ पनि सम्झिनुहोस् त अलि
मधेश आन्दोलन को बेला में मधेश आधारित दल समझौता तपाईं कसरी बिर्सिनु भयो तपाईंको सरकार दलित मतलब गरिएका समझौता कसरी बिर्सिनु भयो आदिवासी जनजातिहरूसँग गरिएका सम्झौताहरू कसरी बिर्सिनुभयो मुस्लिमहरूसँग गरिएका सम्झौताहरू कसरी बिर्सिनुभयो र तपाईँसँग गरिएका सम्झौता हामीले पालन गर्नुपर्ने र तपाईँले पालन नगर्नुपर्ने यही हो र जे कहियो मन्त्री आखिर मन्त्रीय होइ छ ओ जे बाजल ताई पर ताली ठोकबाक हम अहाँ सन जनता कारण सेहो देशक परिस्थिति एहन भेल छै मंत्री जी के जिला बजाओ में संबंधित निकाय से परिश्रम आ खर्च कैल गए उकर लेखा जोखा दूर जाओ मंत्री जी धनुषा जिला के लेल की करथिन से देख के बाकी अपन टेलीविजन के लेल पूरन साह के रिपोर्ट जनकपुर धाम।